हाय एवरीवन, दिस इज़ अनिल जांगिड। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम ई गुरुकुल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी आपको मैथ के सारे टॉपिक और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आप किस छोटे से छोटे और थोड़े ठीक ठाक SSC लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए भी जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है और या जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको करा दिए जाए। सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। आज हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोस्टली सारे एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने में भी आसान है, और लगभग एक या दो तरीक़ों में हम पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ इसी टॉपिक में जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा, उसी तरीके से आप पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम तीन वीडियोस में अपना दोनों टॉपिक ख़त्म कर दें। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार बेसिक चीज़ें बता दूँ। जैसे सबसे पहले तो व्हाट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम हिंदी में, जो हिंदी भाषा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बता दूँ, इसी को हम बोलते हैं कार्य क्षमता। देखो, एफिशिएंसी और कार्य क्षमता पे ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है। कैसे बताता हूँ, देखो पहले आसान भाषा में इसको समझते हैं होता क्या है। देखो किसी भी, मान लो मेरी कोई कैपेबिलिटी है कि मैं एक 10 लीटर की बाल्टी उठा सकता हूँ, और कोई दूसरा बंदा है उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 10 लीटर की 2 बाल्टी उठा सकता है। तो भाई उसकी, जो दूसरा आदमी है, उसकी कार्य क्षमता मेरी कार्य क्षमता से कितनी है, 2 गुने भी कह सकते हो और ज़्यादा भी कहते हैं, ठीक है। कई बार वो सवाल में दे देगा कि उसकी कार्य क्षमता उससे 2 गुनी है, 3 गुनी है, आधी है, कैसे भी, तो वो आपको बार बार इसके बारे में बताएगा, ठीक है। नहीं भी बताएगा तो हम उसको सवाल में उसका यूज ज़रूर करेंगे, वो भी अभी आपको बताऊँगा। एफिशिएंसी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा क्या होती है। उसके बाद इसका एक रिलेशन होता है टाइम के साथ, क्या होता है भाई, ये 1/ रेसिप्रोकल होता है टाइम से। एफिशिएंसी रेसिप्रोकल मतलब, देखो सिंपल सी बात है, जिस बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी यानी कार्य करने की क्षमता अधिक होगी, वो काम करने में समय क्या करेगा, कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ये रिलेशन समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगी, और पता भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हम बार बार यूज़ करेंगे इसका इस चैप्टर में। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। अब एक आसान सा, देखो अब ये टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो हम LCM मेथड का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए LCM मेथड सबसे बढ़िया है। बहुत सारे वीडियोज़ शायद यूट्यूब पर अवेलेबल भी होंगी, लेकिन दिक्कत ये रहती है YouTube पे, मैंने बहुत सारे चैनलों में देखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ज़्यादातर ना सारे टॉपिक कवर नहीं होते एक टीचर से, या वो थोड़ी बहुत वीडियोस डालते हैं, उसके बाद 2-4 बढ़िया बढ़िया ऐप है उनको हायर कर लेती है, उसके बाद वो फ्री वीडियोस डालना बंद कर देते। लेकिन हमारे चैनल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूँ, सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे मैथ और रीजनिंग के। कोशिश रहेगी कि इंग्लिश के भी 2-4 वीडियोज़ में डालूँ, अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो इंग्लिश के भी आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो सवाल में पूछता है बोथ ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, कैन डू अ वर्क इन हाउ मैनी डेज। ये क्वेश्चन है भाई हमारा, कि ए किसी काम को कर सकता है भाई 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो इसमें समझना क्या है, सबसे पहले हम
दो लाइन ऐसे खींचेंगे, एक के नीचे लिख दिया मैंने ए, दूसरे के नीचे लिख दिया बी। अब ए जितना टाइम ले रहा है ए के नीचे उतना, बी जितना ले रहा है बी के नीचे उतना। इन दोनों का लेना भाई एलसीएम, ठीक है, तीन बंदे हो तो तीनों का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आएगा भाई 30, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हो जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो। ये हमारा आया एलसीएम, इसी को हम टोटल वर्क भी बोल लेंगे इन यूनिट्स, ठीक है भाई, टोटल हो गया 30 यूनिट काम हमारे पास, ठीक है। अब ए 10 दिन में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितनी करेगा, 30/10 करेंगे तो 3 यूनिट, और बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितनी करेगा, 2 यूनिट। भाई इस चीज़ को ही हम बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है, और इसी चीज़ को बोलेंगे वन डे वर्क। ये समझना बहुत ज़रूरी है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगर ये आपकी चीज़ समझ में आ गई तो। बहुत आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो इसको थोड़ा सा अगर ऐसे समझना चाहो तो इसको ऐसे बता देता हूँ कि ये आएगा कैसे, एफिशिएंसी हमारी कैसे आएगी। ये हमेशा रहेगी भाई जो टोटल आपका वर्क रहेगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, ये बस लिख रहा हूँ इसको, ये फॉर्मूला की तरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, जो भी हमारा टोटल काम है और कितने दिन में काम को कर रहा है उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर बाई चांस एफिशिएंसी दे रखी हो, चलो ये अगले सवाल में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ आया होगा आपको कि टोटल हमारे पास 30 यूनिट काम था, ए करता है 10 दिन में, एक दिन का आ गया 3 यूनिट, बी करता है 15 दिन में, एक दिन का आ गए 2 यूनिट। यहाँ तक होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, अब पूछा है उसने ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 3+2 कितना करते हैं भाई, 5 यूनिट काम कर देते हैं एक दिन में। अगर वो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, 30 यूनिट काम करना है तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा भाई, टोटल कितना है 30 यूनिट, एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट, कितने दिन में हो जाएगा भाई, 6 दिन में, तो काम ख़त्म हो जाएगा 6 डेज। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अगले सवाल में एकदम समझ में आ जाएगा। अब इस पर हम सारी टाइप करेंगे, इसमें जितने टाइप के भी सवाल बनते हैं, ठीक है, सारी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, उसने काम दे रखा है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, हमने दो लाइन खींची या ट्राइंगल बना लेना, ए लिखा बी लिखा, ठीक है, लाइन खींच लेने में फ़ायदा, क्योंकि तीसरे में फिर ट्राइंगल से बाहर चला जाएगा वो, कोई बात। ए के नीचे ए के दिन, बी के नीचे बी के दिन, दोनों का एलसीएम लिया, वो हमारा आ गया टोटल काम, फिर ए का एक दिन का काम, टोटल अपॉन जितने दिन में कर रहा है उतना यूनिट, बी का भी ऐसे ही किया, फिर उसने पूछ रखा था भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर भाई एक दिन में करते 5 यूनिट, 30 यूनिट करने में लगाएंगे 6 दिन। होप सबको समझ में आया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये तीन बंदों पे दे रखा है। देखो पहले दो क्वेश्चन मैं बहुत आसान करा रहा हूँ, उसके बाद हम टाइप के ऊपर चले जाएंगे कि इसमें अच्छे अच्छे टाइप कौन कौन सी बनती है, उन टाइप पे मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी आपके कमेंट में आप लिख देना अगर कोई टाइप छूट जाए तो, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ भाई, किसी भी क्वेश्चन पेपर में या किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे उसमें अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन कर रहा है और उसमें कुछ भी अगर आपको ऐसा एरर लग रहा है कि इसमें मिसप्रिंट है, तो उसमें बाकायदा लिखा रहता है कि आप इंग्लिश वाले को प्रेफर करेंगे वो लोग जो इंग्लिश में लिखा है। तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिख भले ही रहा हूँ लेकिन उसको हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है, ए कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, सी कैन कम्प्लीट द वर्क इन 20 डेज। मतलब
ए किसी काम को भाई 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो इसमें भाई तीन बंदे हैं तो भाई तीन डंडे खींच लो, ठीक है, पहले के नीचे ए, दूसरे के नीचे बी, तीसरे के नीचे सी। अब जो जो दिन दे रखे हो दिन लिख लो, 10, 15 और 20, तीनों का ले लो एलसीएम। तीनों का एलसीएम आएगा भाई 60, ठीक है। जो लोग जिनको सीधे ये लग रहा है कहाँ से आ गया 60, वो प्रैक्टिस करके देख लेना, आ जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा तीनों का एलसीएम क्या है, ठीक है। बाकी हम एलसीएम का टॉपिक भी आगे पढ़ेंगे, उसमें भी बता दूंगा मैं। ये आ गया हमारे पास भाई टोटल वर्क इन यूनिट्स, ठीक है। इतने यूनिट काम है हमारे पास, ए करता है भाई 10 दिन में, तो एक दिन में कितनी करेगा, 60/10, 6 यूनिट। ये आ गई ए की एफिशिएंसी, ठीक है भाई। ये इतना एफिशिएंट है कि एक दिन में 6 यूनिट ख़त्म कर दे रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 60/15 करोगे 4 यूनिट, और सी की कितनी आएगी भाई, 3 यूनिट। तो ए की आई 6 यूनिट एक दिन का काम कह लो, या ए की एफिशिएंसी कह लो, बी की एफिशिएंसी कह लो, एक दिन का काम आया 4 यूनिट, सी का कितना आया भाई, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है भाई हमसे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे? तो भाई तीनों को मिला दो, 6, 4, 10 और 3, 13। एक दिन में कितने यूनिट कर रहे तीनों मिलकर, 13, टोटल कितनी है, 60। तो काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 60/13। इसको सही बटे में लिख लो, 13 चौक 52, 8/13 दिन। होप सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ भाई ये। यहाँ पे इसको आप एलसीएम भी लिख सकते हो, जिनको समझ, जो ये पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लिया, वो लिखा हमने यहाँ, ये क्या हमारा भाई टोटल काम आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको हम टोटल वर्क बोलते हैं। ये टोटल काम आ गया, एक दिन में ए करता है 6, बी करता है 4, सी करता है 3। तीनों मिलकर कितने करेंगे भाई, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। 13 यूनिट एक दिन में तीनों करते हैं, टोटल करनी है 60, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 60/13, 4 से 8/13 दिन। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में लिख देना। अगली टाइप है भाई, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ए एंड बी डू ए वर्क इन 12 डेज, मतलब ए और बी मिलकर। देखो कई बार तो इसमें लिख देगा टुगेदर, नहीं भी लिख के तो एंड का मतलब एक साथ ही कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ए एंड बी टू डू ए वर्क इन 12 डेज, ए और बी मिलकर किसी काम को भाई 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए, या ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसमें ये भाई 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में, चारों मैंने लिख दिए, चारों आपको बताऊंगा। उसके बाद इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे, वर्बली भी सारा टाइम एंड वर्क हो जाएगा एक बार इस तरीके से पढ़ने में। 4 क्वेश्चन कौन कौन से, कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अलोन कितने, मतलब ए अकेला कितने दिन में कर देगा, बी अकेला और सी अकेला। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिख दिया भाई ए प्लस बी, यहाँ पे लिख दिया बी प्लस सी, यहाँ पे लिख दिया सी प्लस ए, या ए प्लस सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 12, 15 और 20, एलसीएम कितना आएगा भाई, वही 60 आएगा, ठीक है। या कोई भी आप सिंगल ऐसी टर्म ले सकते हो जो तीनों से भाग हो रही हो, एलसीएम ना लेके भी, लेकिन उससे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है आपकी, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। 12, 15, 20 का एलसीएम आया 60, ठीक है भाई। तो भाई ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं 60 यूनिट काम, एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट, 60/12 करो कितना आ जाएगा, 5, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद बी प्लस सी ए 15 दिन में काम ख़त्म करते हैं 60 यूनिट काम, कितना कर देंगे भाई, 4 यूनिट एक दिन में, और सी प्लस ए कितना करेंगे, 3 यूनिट।
यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक तो हम ये क्वेश्चन अब वर्बली भी हो जाएंगे खुद। अब वो देखो पहली चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। हम तो अब तक इन सबको ही जोड़ते आए हैं, तो फिर से जोड़ो भाई, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, कितना आ जाएगा भाई, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट, इतने यूनिट काम आ गया। लेकिन यहाँ से क्या आया, दो कॉमन ले लिया मैंने, 2 ए प्लस बी प्लस सी आया 12 यूनिट। पूछा क्या है भाई उसने, ए प्लस बी प्लस सी, तो दो को यहाँ से हटाओगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, कितनी आ गई भाई, 6 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा भाई, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 ए 2 बी और 2 सी। चाहिए कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, एक एक चाहिए, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आई उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, वो ए प्लस बी प्लस सी की आ गई। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूँ अब, ठीक है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब वो हमसे मान लो ये पूछ रहा है कि ए अलोन, तो भाई ए अलोन कैसे आ सकता है, अब सोचो, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को मैं घटा दूँ तो ए का निकल जाएगा हमारे पास, बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का काम घटा दिया तो क्या बचा भाई, ए का बचा, तो तीनों का काम कितना है भाई, यहाँ पे कितना है, अच्छा पहले तो वही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, सॉरी, यहाँ तक हमारे पास आ गया था कि ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में, टाइम कितना लगेगा, टोटल काम था 60 यूनिट, एक दिन में करते 6 यूनिट, कितना दिन लगेगा भाई, 10 डेज, तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम को 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये तो था भाई इस पहले का आंसर, सॉरी मैं भूल गया था निकालना, बता दिया मैंने। उसके बाद देखो, अब तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं भाई 6 यूनिट, और B प्लस सी कितनी करते हैं, 4 यूनिट, तो A की कितनी बच गई, 2 यूनिट पर डे काम करता है भाई ये A, तो टोटल काम था कितना, A कितने दिन में कर देगा भाई, टोटल काम था 60 यूनिट, करता है ये 2 यूनिट, कितने दिन में कर देगा भाई, 30 डेज में, ठीक है, 30 दिन में काम ख़त्म कर देगा। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। देखो ए अलोन का काम कितने दिन निकालने थे, तो जो हमारे पास तीनों का आया उसमें से मैंने बी और सी का घटा दिया, ए की अकेले की बच गया एक दिन का काम, ये इसकी एफिशिएंसी निकल गई, ए की एफिशिएंसी आई भाई 2 यूनिट पर डे, टोटल काम था कितना 60 यूनिट, कितने दिन में कर देगा, 60/2, 30 दिन में ख़त्म कर देगा। होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके अगले दो पार्ट और बता दे रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर मेरे से पूछे वो बी अलोन, तो वही सेम ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसमें से मैं वो ए और सी का घटा दूँ तो बी का बच जाएगा, तो घटा दो सी प्लस ए का, तीनों का कितना था 6 यूनिट, और सी और ए का कितना है भाई 3 यूनिट, तो बी का कितना बच गया भाई 3 यूनिट पर डे, तो भाई बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, करनी कितनी है 60, तो 60/3 कर दिया, कितना आ गया भाई 20 दिन में काम को ख़त्म कर देगा भाई, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब सी का आप अपने आप निकाल लेना, जिसको ना आए वो कमेंट में लिख देना, वैसे तो सबको आ ही जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगली टाइप पढ़ेंगे, देखो भाई अगली टाइप है टाइप 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम और आजकल तो किसी भी एग्ज़ाम में आ रही है, बढ़िया टाइप है, आसान है, समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगी बढ़िया से।
क्या कह रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। क्या कह रहा है भाई, जो ए की एफिशिएंसी है वो उससे बी से कितनी है भाई, तिगुणी है। ठीक है, यही कह रहा है। हाँ, और इससे हो क्या रहा है कि ए किसी काम को जितने टाइम में बी ख़त्म कर रहा है उससे 60 दिन कम टाइम में ले रहा है और ख़त्म कर दे रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, मतलब वो कितने दिन में काम को दोनों मिलकर ख़त्म कर दें। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया एफिशिएंसी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, एफिशिएंसी और टाइम का मैंने वो आपको बताया था क्या होते हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल। कि मेरे पास जो, अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी आपको दे रखा है सिंपल सा कि उसकी तिगुणी है उससे क्या भाई एफिशिएंसी, तो टाइम के कितना कम ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है। तो चलो अब देखते हैं भाई, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो क्या दे रखा है, कि इसकी अगर एक है तो ए की कितनी है भाई, तिगुणी है। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बाई बी। तो यहाँ से कितनी आ रही है, ए की कितनी है भाई, तीन, और बी की कितनी है, एक। ए की बात है, जो लोग नए हैं जब हम अनुपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका और इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, जो अब जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है उनको बता दूं कि चाहे मैं एक बटा बी लिख के ऐसे लिखूं उसका भी यही मतलब, अनुपात का मतलब भी यही होता है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो टाइम का क्या होगा, क्योंकि टाइम हमने पहले बता दिया क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बट टाइम का क्या आ जाएगा, टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी टाइम क्या हो जाएगा भाई, एक बटा तीन। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो समय क्या लेगा, कम। एक बटा लिखा था ना टाइम, तो वो उलट जाएगी एक बटा करोगे तो। ठीक है, अब वो हमसे कह क्या रहा है कि ए बी से कितने दिन कम ले रहा है भाई, 60 दिन। हमारे हिसाब से कितने कम ले रहा है, 3 - 1 = 2। हमारे हिसाब से वो भाई 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 60 दिन, तो कितने गुणा है भाई, 30 गुणा है। ठीक है, तो जो जो हमारे को दे रखा है उसको ही 30 से गुणा कर देंगे, इसको 30 से गुणा कर देंगे, तो बी का टाइम आ जाएगा कि भाई बी कितने दिन में करता है, 90 दिन में, और इसको 30 से गुणा कर देंगे तो ये का टाइम आ जाएगा कितने दिन में करता है भाई, 30 दिन में। थोड़ा ओच पोच हो रहा हो तो बता देना भाई, अगली वीडियोस थोड़ा ढंग से पढ़ा दूंगा। मेरे हिसाब से तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, जो ढंग से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर भाई थोड़ा सिस्टम से पढ़ाएंगे, मेरा तरीका है थोड़ा ऐसा ही। ठीक है भाई, ए और बी का टाइम का अनुपात क्या आया था, 1/3। हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का, लेकिन सवाल के हिसाब से कितने का था, 60 का, तो कितने गुणा है भाई, 30 गुणा, उतने से सबको गुणा कर दिया, सिस्टम आ गया। ठीक है भाई, ए लेता है 30 दिन और बी कितने लेता है भाई, 90 दिन। तो उत्तर की पड़ताल भी हो गई भाई, 60 दिन का डिफरेंस है। अब आ जाओ अपने उसी तरीके पे, ए और बी, ए लेता है भाई 30 दिन काम को करने में, बी लेता है 90 दिन, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। ये इतने यूनिट क्या आ गया भाई, टोटल काम आ गया 90 यूनिट। ए करता है एक दिन में 3 यूनिट और बी करता है एक दिन में 1 यूनिट। देखो भाई, जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा मैं भी इसको बार बार एफिशिएंसी क्यों कह रहा था। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो वही आ गया जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो जो लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे उनको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो वर्बली क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ से आ गया भाई, ए करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, बी करता है 1 यूनिट काम, दोनों मिलकर कितनी करेंगे भाई, ए प्लस बी 4 यूनिट। तो टोटल कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे भाई, 90/4। इसको लिख सकते हो 45/2, और उसको क्या लिख सकते हो भाई, 22 / 1/2 दिन। तो जैसा ऑप्शन में दे रखा हो वही आंसर टिक कर देना, क्या पता यही दे रखा हो तो इसी पे टिक कर देना, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस सवाल में दे रखा है 22 / 1/2 दिन।
यहाँ तक सबको समझ में आया होगा भाई। इस टाइप पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे इसलिए, नहीं तो हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई तो अपने क्वेश्चन को कमेंट में लिख देना भाई, या कोशिश करेंगे हम टेलीग्राम पे एक अपना चैनल वो ग्रुप कर ले अपना, उसमें आप डाल दिया करना, फिर मेजोरिटी के हिसाब से देख लेंगे कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ढंग से आप करोगे एक क्वेश्चन को, अगर समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके फिर से देख लेना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर भी ना आए तो हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है भाई इसी टाइप में, देखो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लगा इसलिए मैंने करा दिया, नहीं मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक टाइप पे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, आए तो फिर बाद में देख लेंगे। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इज 3/4 ऑफ टाइम। देखो हिंदी में बता रहा हूँ कि कह रहा है भाई जितने टाइम में बी काम करता है उसके 3/4 काम टाइम में ए कितना करता है भाई, आधा ही काम कर पाता है। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज, अगर वो दोनों काम को ख़त्म करने में एक साथ 18 दिन लगाते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, या इसी को पलट के कह भी सकता है कि ए अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा। तो भाई देखो यहाँ पे फिर से वही बात है, फिर से एफिशिएंसी को समझने वाली बात है, ठीक है। देखो ये जिसके समझ में आ गई, क्वेश्चन चाहे कैसे घुमा फिरा ले वो आराम से कर लेगा उसको, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगा तो हो सकता है पेन पेपर की ज़रूरत भी ना पड़े। क्या कह रहा है भाई, ए के लिए कह रहा है कि ए क्या करता है भाई, आधा ही काम कर पा रहा है किसके, बी के 3/4 टाइम में। तो भाई बी के 3/4 में क्या कर पा रहा है, आधा काम। तो बताया था भाई देखो एफिशिएंसी और उसका रेशियो क्या बताया था हमने टाइम का, ये होता है भाई। अब क्या कह रहा है वो कि भाई आधा काम कर पा रहा है कितने टाइम में, 1/3/4, यही कह रहा है। तो भाई ये उलट जाएगा, 1/2 × 4/3 कितना आ गया भाई, 2/3। और यहाँ से हम निकाल के इसके रहे थे ए का किसके कोरस्पोंडेंस में, बी के। तो हमारे पास ए अपॉन बी क्या आ गया भाई, 2/3, ठीक है। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2, और बी की कितनी आ गई, 3। अब सवाल में कुछ बचा है, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है, बाकी आगे करते हैं। देखो ए बी हमारे पास क्या है, एक चीज जो टाइम दे रखा है वो किसका दे रखा है, ए प्लस बी का, ठीक है, 18 दिन ये दे रखा है क्वेश्चन में। हमारे पास एफिशिएंसी क्या आई है, ए की क्या आई है, 2, बी की कितनी आई है भाई, 3, और दोनों की कितनी आ जाएगी, 2 + 3 = 5। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी के कितना दिन है, 18 दिन में काम करते हैं, एफिशिएंसी टोटल काम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो टोटल काम आ जाएगा, 18 × 5 कितना हो जाएगा, 90। अब ये मत कहना भाई ये गुणा क्यों करा, अब तक क्या कर रहे थे हम सवालों में, हमारे पास टोटल वर्क होता था, ये होता था, इसको इससे डिवाइड करके ये आ जाता था। तो भाई दो वेरिएबल अगर हमारे पास हैं तो तीसरा निकाल ही सकते हैं हम, मेरे पास एक दिन का काम है और टोटल कितने दिन में टाइम टेकन है उसका, कितने दिन में काम कर रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। अब वो जिसका भी पूछ ले, बी का पूछ रहा है तो टोटल काम 3 कर दो कितना आ जाएगा, 30 दिन, ठीक है, 90/3 करके। ए का पूछे तो 90/2 कर देना कितना आ जाएगा, 45 दिन, ठीक है। होप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा भाई, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर तब भी किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होगा।
अगली टाइप भाई इम्पोर्टेंट टाइप है, अल्टरनेट डेज वाले। लोगों को मुश्किल लगती है लेकिन मुश्किल नहीं है, मैं एक बार मैं समझाऊंगा सबको, सब बढ़िया से समझ में आ जाएगी। देखो पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें वो तीन बंदे लेगा। समझाने का पर्पज है क्योंकि ये टाइप बहुत बढ़िया है और ये आती है एग्ज़ाम में। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को भाई 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम करे। देखो इसमें कई बार तो वो लिख देता है कि अगर ए स्टार्ट विद ए या स्टार्ट विद बी, अगर नहीं लिखता है तो जो पहले दिया है उससे ही स्टार्ट कर देंगे हम। पहले ए के बारे में बताया तो ए, बी के बारे में बताता तो बी, या कोई राम श्याम कुछ भी नाम लिखे तो उसके हिसाब से हम कर देंगे। तो देखो भाई इसमें बढ़िया टाइप है, फिर से वैसे ही लिखेंगे ए और बी, ए के नीचे ए के दिन, बी के नीचे बी के दिन। टोटल काम कितना है भाई, 30 यूनिट। ए कितना करता है एक दिन में, 30/10 करेंगे 3 यूनिट। बी कितना करता है भाई, 2 यूनिट। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा क्योंकि अब तक कई सवाल कर लिए हमने। भाई ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट। अब देखो आगे ये बहुत समझने वाली चीज़ है। पहले दिन अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है, फर्स्ट डे ए ने काम करा भाई, कितना कर दिया, 3 यूनिट। सेकंड डे बी ने काम करा, कितना करा भाई, 2 यूनिट। इसके बाद फिर किसकी बारी, ए की, फिर किसकी बारी, बी की। तो यहाँ तक इसको हम क्या बोल देंगे भाई, इसको एक साइकिल बोल सकते हैं कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी चीज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे भाई साइकिल। ये एक हमारा साइकिल हो गया जिसमें कितना काम हो रहा है भाई, 5 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, एक साइकिल में 5 यूनिट काम हुआ, दिन कितने एक साइकिल में भाई, 2। ठीक है, तीन चीज़ें समझने की है, साइकिल कितने दिन का बनाया और एक साइकिल में कितने यूनिट काम हुआ, और साइकिल हम कह किसको रहे हैं, कितने बारी में चक्कर कंप्लीट हो रहा है उसको कह रहे हैं साइकिल। अब देखो यहाँ तक एक साइकिल में जितना काम हुआ उससे टोटल काम को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, उतने साइकिल। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम जितना एक साइकिल में काम हुआ उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल काम को, तो जो आंसर आएगा वो दिन नहीं आएगा भाई, वो साइकिल आएगा। लास्ट में जितने एक साइकिल में जितने दिन थे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर नंबर ऑफ डेज आएगा। ये चीज़ समझने की बस। ठीक है, तो एक साइकिल में इन वन साइकिल कितना काम हुआ भाई, 5 यूनिट काम हुआ। तो टोटल काम कितना है भाई, 30 यूनिट काम है, 5 यूनिट एक साइकिल में कर रहे हैं, तो कितना आया भाई, 6 साइकिल आया हमारे पास। कई बार ये पूरा भाग चला गया जैसे अभी चला गया, कई बार नहीं जाएगा, तो जो शेष मान लो यहाँ पे 32 होता तो 6 साइकिल तो पूरे आए, उसके बाद जो काम मान लो 33 होता। ठीक है, ये अभी 33 इसलिए बता रहा हूँ कि एक 3 यूनिट करता है, नहीं तो 2/3 आंसर आ जाता कि जितने दिन है उतने से, कि एक दिन में एक कितना करता था, 3 यूनिट, करनी कितनी थी 2, तो कितने दिन में कर देगा भाई, 2/3। ठीक है, चलो ये बाद में बताऊंगा अगले सवाल में। यहाँ तक समझ में आया कि भाई 6 साइकिल लगेंगे लेकिन एक साइकिल में दिन कितने थे भाई, 2। ठीक है, एक दिन 2 दिन, तो 6 × 2 कितने दिन में काम ख़त्म होगा, 12 दिन में काम ख़त्म होगा। शायद थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत आ रही होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो भाई ए करता था एक काम को 10 दिन में, बी करता था उसी काम को 15 दिन में, टोटल काम आया 30 यूनिट, दोनों का एलसीएम लिया तो एक आया एक दिन का 3 यूनिट, बी का आया 2 यूनिट। अब देखो उसने कहा अल्टरनेट डेज पे काम करें, तो पहले दिन ए ने काम करा भाई, कितना काम कर दिया, 3 यूनिट काम कर दिया। फिर दूसरे दिन करा बी ने, कितने यूनिट काम करा भाई, 2 यूनिट। अब फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा, तो अभी तो चलो 30 यूनिट ही काम था, अगर ऐसे ऐसे पैटर्न हम रिपीट करते चले जाए थर्ड डे, फोर्थ डे, फाइव डे, सिक्स डे, तो शायद
ऐसे हो भी जाए, लेकिन कई बार ये मान लो 3 लोगों का दे दिया, थोड़ा लंबा आ गया कैलकुलेशन, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए समझने के लिए मैंने इसको क्या बोल दिया, 2 दिन का एक साइकिल बोल दिया। एक साइकिल में काम कितना हुआ भाई, 3 और 2 5 यूनिट। अब एक साइकिल में जितना काम हुआ उससे टोटल काम को करेंगे डिवाइड, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा नंबर ऑफ साइकिल। जैसे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कितना आया, 6 साइकिल में काम ख़त्म हो गया भाई। एक साइकिल में दिन कितने थे, 2, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा भाई, 6 × 2, इसको लिख दे रहा हूँ इन डेज, तो 12 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। होप सबको समझ में आया होगा। एक 3 बंदों का एग्जांपल और लूँगा अभी, फिर क्लियर हो जाएगा आपको फंडा। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को भाई 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा अगर वो अल्टरनेट डेज पर काम करे। तो कई बार इसमें वो लिख देगा ए से शुरू करे, सी से शुरू करे, बी से शुरू करे। बी से तो नहीं करवाएगा खैर, या तो ए से करवाएगा या सी से करवाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस हिसाब से मैं बताऊं उस हिसाब से फॉलो कर लेना, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। देखो भाई अब 3 बंदे दे रखे हैं, तो 3 डंडे खींच लिए हमने, ए बी और सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आया भाई, 60, ठीक है। ए की आई 6 यूनिट काम, बी का आया 4 यूनिट काम, सी का आया 3 यूनिट काम। वही 60/10 कर दिया 6 आ गया, 60/15 कर दिया 4 आ गया, 60/20 कर दिया 3 आ गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो फर्स्ट डे, ए ने काम करा भाई, कितने काम कर दिया, 6 यूनिट। सेकंड डे बी ने करा, कितना कर दिया भाई, 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे सी ने करा, कितना कर दिया भाई, 3 यूनिट। यहाँ तक सबको समझ में आया, कुछ नहीं लिखा मैंने, तो सिर्फ साइकिल के हिसाब से जो अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है कि पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा, तीसरे दिन सी ने कर दिया। अब चौथे दिन फिर से पैटर्न रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इन 3 दिन को क्या बोल देंगे, एक साइकिल, ठीक है। इस बार क्या है, साइकिल में दिन कितने हैं भाई, 3 बंदे हैं तो 3 दिन है। कई बार इसी तरीके में ना वो पहले कहेगा, पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तीसरे दिन ए और सी मिलकर। वो किसी तरह भी आपसे क्वेश्चन करवाना चाहे, एक बार आप समझ लो टाइप को, फिर आपको अच्छे से समझ मतलब अच्छे से कर पाओगे। तो भाई इसमें कितना काम हो रहा है, 13 यूनिट काम हो रहा है, एक साइकिल में इतना काम हो गया, ठीक है। एक साइकिल में ख़त्म हो गया काम कितना भाई, 13 यूनिट। टोटल काम था कितना हमारे पास, 60 यूनिट। तो जितना पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो उतना कर लो, बाकी रिमेनिंग जिसकी जिसकी बारी आएगी वो ख़त्म करेगा, ठीक है। बेसिक से बता दूंगा फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो टोटल काम था कितना भाई, 60 यूनिट। एक साइकिल में हुआ कितना, 13। तो भाई 4 साइकिल तो हो गए कंप्लीट, उसमें काम कितना हो गया भाई, 13 × 52 यूनिट, ठीक है। 4 साइकिल हो गए कंप्लीट, क्योंकि यहाँ तक तो हम इजीली मल्टीप्लाई करके दिन निकाल देंगे, उसके बाद अब हमें करना पड़ेगा। 52 यूनिट काम हो गया, इसको एक बार मैं रब कर ले रहा हूँ, यहाँ तक तो सबने उतार ही लिया होगा। बस साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना, ये आपको बाद में बहुत काम आएंगे, क्योंकि मेरे नोट 6 साल पहले बनाए थे, वो अभी भी मेरे को वैसे के वैसे तैयार है मेरे पास, और पढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, पढ़ने में भी हेल्प करते हैं। अब देखो भाई टोटल काम था हमारे पास 60, ख़त्म कितना हो गया, 4 साइकिल में 52, रिमेनिंग कितना बचा भाई, 60 - 52
8 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम 4 साइकिल के दिन बना ले, 4 साइकिल में, एक साइकिल में 3 दिन थे, 4 साइकिल में कितने दिन हो जाएंगे भाई, 12 दिन तो हो गया काम कंप्लीट, जिसमें हो गए 52 यूनिट। अब देखो अब यूनिट टाइम काम बच गया 8 यूनिट भाई, तो 13वें दिन 13th डे बारी किसकी भाई, एक ही काम खत्म कितना कर दिया, 6 यूनिट, तो 13 दिन हो गए कंप्लीट हमारे पास। अब भी काम बच गया कितना, 2 यूनिट काम अब भी बच गया भाई। ठीक है, 2 यूनिट काम को करेगा कौन भाई, करना है बी को, तो भाई बी एक दिन में कितना काम करता था, 4 यूनिट, अब करना कितना है उसको, 2 यूनिट। ऐसे तो सीधे सीधे हम बता सकते कि आधे दिन में कर देगा, लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहो तो ऐसे बेसिक से जैसे निकालते थे, बी भाई एक दिन में कितना करता है, बी करता है 4 यूनिट एक दिन में। ठीक है, एक यूनिट कितने में करेगा भाई, 1/4, और करवानी कितनी है, 2 यूनिट, तो 1/4 × 2 कितने दिन में कर देगा भाई, आधे दिन में। ठीक है, तो भाई 13 तो पूरे पूरे दिन आ गए थे, आधा दिन ले लिया बी ने, तो कितने दिन में काम खत्म हुआ भाई, 13.5 दिन में, 13 सही 1/2 दिन में काम हो गया ख़त्म। एक बार फिर से आराम से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, 10 दिन में ए करता था, बी करता था 15 दिन, सी करता था 20 दिन। ठीक है, हमने तीनों का लिया एलसीएम, टोटल काम आया हमारे पास 60 यूनिट एलसीएम लेके, वो पहले मैंने कर दिया था, बाद में रब कर दिया, तो रिवाइंड करके फिर से देख लेना। पहले दिन देखो, अब वो अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है, पहले दिन ए ने काम करा भाई 6 यूनिट, दूसरे दिन बी ने काम करा भाई 4 यूनिट, तीसरे दिन सी ने काम करा 3 यूनिट, तो 3 दिन का बना दिया हमने एक साइकिल, और एक साइकिल में काम कितना हुआ भाई, 13 यूनिट। अब देखो जितना पूरा पूरा भाग हो सकता है उतना कर लेना, शेष फिर से बारी लगानी पड़ेगी जिसका नंबर है, हो सकता है ए ही ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं, इसी सवाल में थोड़ा ज़्यादा शेष बच गया तो बी की भी बारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो सवाल करोगे ऐसे टाइप के फिर आप आराम से कर लोगे, चाहे कितने घुमा ले क्वेश्चन को। अब देखो भाई 60 टोटल काम था, एक साइकिल में हो रहा 13 यूनिट, तो कितने पूरे पूरे साइकिल आ गए, 13 × 52 तक तो आ गए पूरे पूरे 4 साइकिल, उसके बाद काम बच गया 8 यूनिट, 8 यूनिट पहले, अब अगले दिन करा किसने, ए ने, वो दिन कौन सा था, 13वां, कैसे निकाला हमने भाई, एक साइकिल में कितने दिन थे, 3, 4 साइकिल में कितने आ गए, 12 दिन हो गए थे कंप्लीट। अब 13वें दिन बारी किसके आई, ए की, काम कितना कर दिया, 6 यूनिट, क्योंकि एक दिन में 6 यूनिट करता था ये, अब भी काम बच गया कितना, बच गया 2 यूनिट, वो किसको करना है भाई, जिसकी बारी है, किसकी बारी है, बी की, तो भाई बी 4 यूनिट करता था एक दिन में, तो 2 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएगा भाई, आधा दिन, तो 13 दिन तो हमारे पास ये आ गए थे, आधा दिन बी ने ले लिया, टोटल काम ख़त्म हुआ 13.5 दिन में। ओ भाई सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, इससे पिछला क्वेश्चन भी कराया था, वो 2 बंदों पे था, ये 3 बंदों पे करा दिया। देखो भाई अगली टाइप है, इम्पोर्टेंट है ये भी, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को सेपरेटली, मतलब अलग अलग 24, 36 और 48 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग, उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, सी 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, और ए ने काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो भाई टोटल कितने दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो कुछ नहीं है इसमें भी, वैसे ही करेंगे जैसे अब तक हमने सारे क्वेश्चन करे हैं, ए बी सी 24, 36 और 48, तीनों का एलसीएम लोगे तो
एलसीएम आएगा 144। एलसीएम लेके देख लेना भाई, ठीक है, तीनों का एलसीएम आया 144, 24 छक्के 144, 36 चौके और 48 तीय 144। तो भाई ये तीनों का क्या आ गया, तीनों की आ गई एफिशिएंसी, या एक एक दिन का काम कर लो। देखो ये निकालना इम्पोर्टेंट है इस सवाल में, और एक बार स्टेटमेंट को ढंग से समझना। देखो फिर से समझते हैं एक बार, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं कि तीनों ने काम करना स्टार्ट किया और कितने 4 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो भाई तीनों एक बार तो मिले ही थे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 6, 4, 10, 3 13 यूनिट तीनों मिलकर क्या कर रहे थे भाई, एक दिन में कर रहे थे। और स्टार्टिंग में कितने दिन तक तीनों ने एक साथ किया, तो ए प्लस बी प्लस सी भाई 4 दिन तक तो कराई है, ठीक है। तो 4 दिन में, एक दिन में करते थे 13, 4 दिन में कितनी कर दी, 13 चौक 52, इतनी यूनिट ख़त्म कर दी। उसके बाद ही तो छोड़ा है उसने, ठीक है, उसके बाद भाई काम छोड़ दिया सी ने। अब बचे कौन, ए और बी। अब ए और बी को पता नहीं कितने दिन तक काम किया, लेकिन एक चीज़ और दे रखी लास्ट में कि काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने। तो भाई आखिरी के 3 दिन किसने काम करा, अकेले बी ने करा। तो भाई बी एक दिन में कितना करता है भाई, 4 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर देगा भाई, 4 × 3 = 12 यूनिट। तो भाई तीनों ने मिलके 52 करी, अकेले बी ने करी 12 यूनिट। अब कितनी बच गई वो निकाल लो, कितनी आ गई है, 64। तो टोटल थी कितनी, 144 माइनस 64 कितनी बच गई भाई, 80 यूनिट काम बच गया। ये 80 यूनिट काम किसने करा भाई, बीच में कौन बच गए थे, ए और बी, ये करा इन दोनों ने। तो ए और बी भाई एक दिन में कितना काम करते थे, ए प्लस बी एक दिन में करते थे भैया 10 यूनिट, करनी कितनी है 80, तो कितने दिन लगाएंगे भाई, 80/10, तो 8 दिन तो इन दोनों ने करा, 4 दिन करा तीनों ने, और 3 दिन किसने करा, बी ने। तो भाई टोटल कितने दिन हो गए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल 8 + 4 दिन तीनों ने करा प्लस 3 दिन बी ने करा, तो टोटल इतने दिन में काम ख़त्म हो गया भाई, कितने दिन आ गए, 15 दिन, ठीक है, टोटल डेज। भाई मेरी आदत है मैं पूरा बोर्ड को भर देता हूँ कभी इधर कभी इधर, तो ढंग से देखते रहना वीडियो, आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। देखो कुछ नहीं था सवाल में, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लग रहा है आपको, लेकिन है नहीं, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप से समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, नहीं तो आप जब क्वेश्चन को रिपीट करोगे मतलब उस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे, फटाफट क्वेश्चन कर दोगे। देखो ए करता था 24 दिन में, बी करता था 36 दिन में, सी करता था भाई 48 दिन में। हमने तीनों का लिया एलसीएम, एलसीएम आया 144, यानी टोटल काम आ गया 144 यूनिट। ए करता था भाई 6 यूनिट काम, बी करता था 4 यूनिट और सी करता था 3 यूनिट। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई काम तीनों ने मिलकर शुरू करा और 4 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन तक तो कराए तीनों ने, तो एक दिन में तीनों करते थे 13 यूनिट, 4 दिन में कितना काम ख़त्म कर देंगे भाई, 13 × 52 यूनिट काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद बी ने करा भाई, एक स्टेटमेंट और थी क्वेश्चन में कि लास्ट के 3 दिन, यानी 3 दिन पहले ए ने भी काम छोड़ दिया था, तो लास्ट के 3 दिन अकेले काम किसने करा भाई,
बी ने करा, तो बी एक दिन में करता था 4 यूनिट और बी ने 3 दिन में कर कितना दिया भाई, 12 यूनिट। यानी टोटल इतना काम, 52 प्लस 12 यूनिट काम तो है हमारे पास कि किसने किसने दिन करा, 64 यूनिट काम खत्म हो गया। अब जो काम बच गया टोटल में से, 144 में से 64 खत्म हो गया, कितना बचा भाई, 80 यूनिट काम बचा। 80 यूनिट काम किसने करा है, ए और बी ने, क्योंकि सी तो छोड़ के चला गया था। तो एक दिन में ए और बी करते 10 यूनिट काम, 80 यूनिट करने में कितने दिन लगाए भाई, 8 दिन। तो 8 दिन तो इन दोनों के, 4 दिन इन तीनों के और 3 दिन इसके टोटल हो गए, 15 दिन में ये काम खत्म हो गया। भाई टाइप इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना, टाइप आपकी एकदम से तैयार हो जाएगी। एक टाइप 6 टाइप और करा रहा हूँ मैं आज की इस वीडियो में, फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे की जो जितने भी टाइप बची होंगी, कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो में टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दें। फिर भी अगर कुछ बच जाएगा तो आप लोग बता देना, एक सेपरेट वीडियो बाद में डाल देंगे। देखो क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। किम डू ए वर्क इन 3 डेज वाइल डेविड डू इन 2 डेज, बोथ ऑफ देम कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड गेट 1500 रुपीज़, फाइंड बोथ शेयर। कह रहा है भाई किम किसी काम को कर सकता है या कर सकती है 3 दिन में, और डेविड कर सकता है 2 दिन में, दोनों ने साथ काम किया और काम ख़त्म भी किया और कितने पैसे मिले भाई, 1500 रुपये, तो दोनों का शेयर क्या होगा। तो देखो मैं बार बार जो आपको एफिशिएंसी पढ़ा रहा हूँ ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो जो पैसे बांटेंगे ना भाई, वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो के हिसाब से बटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जैसा अपने यहाँ देसी चलता है कि एक चीज़ स्लो वर्कर हो उसको भी उतने पैसे मिल रहे हो और एक बढ़िया काम करने वाला हो उसको भी उतने, नहीं भाई, सवाल के हिसाब से जिसकी जितनी बढ़िया एफिशिएंसी उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब करते हैं भाई वैसे ही, यहाँ आ गई किम, यहाँ आ गया डेविड, ठीक है। किम करती थी भाई 3 दिन में और डेविड करता था भाई 2 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6। किम की एफिशिएंसी कितनी आई, 2, और डेविड की कितनी आई भाई, 3, ठीक है। तो यहाँ हमसे वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई कितने दिन में दोनों मिलकर काम ख़त्म कर देंगे, वो हमसे शेयर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब ये दोनों मिल जा रहे थे किम प्लस डेविड, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई थी भाई मिलके, 5। तो अब देखो इस 5 को ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, हमारे हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा बताऊं इसको ऐसे, क्योंकि हम परसेंटेज जब क्वेश्चन करेंगे ना, परसेंटेज चैप्टर या और भी बहुत सारे चैप्टर है, तो उसमें हम ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले सवाल में मैंने कितना गुणा करके कर दिया था। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ कितने पैसे मिलने चाहिए दोनों को, 5, लेकिन क्वेश्चन में कितने मिल रहे हैं, 1500। तो भाई कितने गुणा हो गए, 300 गुणा हो गए, ठीक है। तो अब जिसका पूछे उसका शेयर 300 से गुणा कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पैसे बटेंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे, तो इसको 300 से गुणा करोगे तो किम का कितना शेयर आ गया, 600, ठीक है। और डेविड का कितना शेयर आ गया भाई, इसको 300 से गुणा कर दोगे, 900। तो भाई डेविड को मिलेंगे क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको 900 रुपये मिलेंगे, किम की एफिशिएंसी कम है तो उसको 600 मिलेंगे। टोटल कितना हो गया, 600 प्लस 900 1500, इतने इन दोनों को मिले थे। होप सबको समझ में आया होगा। अब आज की इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, अगली वीडियो में अगली टाइप जितनी बची हुई होंगी सारी ख़त्म करने की कोशिश रहेगी टाइम एंड वर्क की। थैंक यू।